तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल डू ऑर्गेनिक में, जहां पर आपको जैविक खेती से संबंधित सभी वीडियोस और जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज का टॉपिक है फलों के पौधों में दोगुना उत्पादन कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित जो भी जानकारी दूंगा वो हम पूर्ण रूप से हमारे भारतीय ग्रंथों पर आधारित है। जो कश्यप मुनि ने अपने ग्रंथ में कहा है वो आपको मैं विधि बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, तभी आप दी गई वीडियो में जानकारी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ फलों से संबंधित या फिर इससे संबंधित खाद कैसे बनाया जाए, दोस्तों इसको एक बार आप जरूर प्रयोग करना, आपको फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फलों वाले पेड़ों को फलों से लगदग करने वाला खाद, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, जो कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ। दोस्तों, इस खाद को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी वो चीज़ है बकरी की मैंगनी। दोस्तों, आपको 2 किलो बकरी की मैंगनी चाहिए। आप इसको इकट्ठा कर लें। दोस्तों, इसको इकट्ठा करने के बाद आपको इसे धूप में अच्छी तरह एक दिन सुखा लेना है, और इसको अच्छी तरह सुखाने के बाद दोस्तों इसका चूर्ण बना लेना है। आप चूर्ण किसी भी तरीके से बना लें। फिर दोस्तों, आप अगर आपके पास किसी भी तरह से ये बकरी की मैंगनी इकट्ठा ना हो पाए या फिर आपके पास इसकी उपलब्धता ना हो, तो आप अपने ऐसे किसी भी पशु का गोबर यूज करें जो बाहर चरने जाता हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप बकरी की मैंगनी ही यूज करें, क्योंकि भारतीय ग्रंथों में इसको दोगुना उत्पादन देने वाला खाद अथवा जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो कहा है। क्योंकि दोस्तों, बकरी ऐसा जीव है जो बाहर चरने जाती है और हर तरह की औषधियाँ और पेड़ पौधों को खाती है। दोस्तों, आप अच्छी तरह इसको सुखाने के बाद इसका चूर्ण बना लें। अब दोस्तों, इसके बाद आपको जो चीज़ लेना है वो है तिल। दोस्तों, आपको 4 किलो तिल इसमें यूज करना है। आप काला तिल यूज करें या भूरा तिल यूज करें, जिस तिल की आपके पास उपलब्धता हो आप उस तिल को यूज करें। आपको इसमें इसे यूज करने से पहले थोड़ा कूट लेना है, बस थोड़ा थोड़ा कूटना। दोस्तों, इसको कूट के थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाए, बारीक सा हो जाए, इसको आपको इसी में मिला देना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको इसमें 1 किलो सतुआ मिलाना है। दोस्तों, सतुआ आप सब लोग समझते होंगे, ये अन्न का मेल होता है जिसको पीस कर बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास सतुआ की उपलब्धता ना हो तो आप बेसन यूज कर सकते हैं। बेसन या फिर किसी अन्य तरह का कोई भी जो भी दाल से संबंधित हो ऐसा अन्न यूज करें। दोस्तों, सतुआ इसमें बहुत अच्छा रहेगा, आप सतुआ यूज करें अगर आपके पास हो तो, ना हो तो आपको मैंने बता दिया क्या यूज करना है। आपको इस 1 किलो सतुआ को इसी मिश्रण में मिला देना है। दोस्तों, अच्छी तरह मिलाने के बाद आपको दूसरी चीज़ यूज करना है, वो है गौमूत्र। दोस्तों, आपको 6.5 लीटर गौमूत्र इसमें यूज करना है। दोस्तों, आपको क्या है, एक पात्र ले लेना है 20 लीटर का, जिसकी दक्षता 20 लीटर हो। आपको 20 लीटर के पात्र में इस सभी चूर्ण वगैरह को, जो भी मिश्रण था, सबको मिला पटक देना है, और आपको इसके ऊपर से गौमूत्र डाल देना है 6.5 लीटर। दोस्तों, अब इसको मिलाने के बाद आपको इसमें 2.5 गुना इसमें पानी मिलाना है, अर्थात 13 लीटर पानी इसमें आपको मिला देना है। दोस्तों, 13 लीटर पानी मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह आपको घोल देना है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह घोलने के बाद आपको ध्यान रहे इसको सप्ताह अर्थात 1 सप्ताह रखना है आपको। दोस्तों, इसे आपको तैयार होने के बाद आपको इसे अपने फलों वाले पेड़ों में देना है। दोस्तों, अगर आपके फलों वाले पेड़ों में फल आने वाले हैं तो आपको उसे कम से कम 20 दिन पहले ही इस खाद को दे देना है, जिससे क्या है उनकी अच्छी दक्षता हो जाएगी और वो अच्छा उत्पादन करेंगे। उसके फिर 1 महीने बाद फिर आपको देना है, अर्थात जब तक उसमें पेड़ में फल लगते रहें तब तक आपको ये वाला खाद देते रहना है। उसके बाद आप बंद कर दें। उसके बाद आप अपने पौधों में दे सकते हैं, जैसे कि वृक्षों के पौधे होते हैं, उनको अच्छी तरह बनाने के लिए आप इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं, और अन्य फसल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, मैं इसका प्रयोग करता हूँ, ये एक अच्छा खाद है। मैं इस लाइव निर्माण विधि आपको बता दूंगा, अगर आपको चाहिए जिस तरीके से मैं बनाता हूँ आपको उस तरीके से भी बता दूंगा, लेकिन अभी क्या है मैं बना नहीं रहा हूँ, मेरा बना हुआ रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा आपको वीडियो ही दे देता हूँ। जो मैंने अगली वीडियो में, बाग लगाने वाली वीडियो में आपसे वादा किया था, मैंने आपको इस वीडियो को उपलब्ध करवा दिया है। दोस्तों, यूज करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए और जैविक खेती से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।